हमें पता लगा है कि कई बच्चे स्कूल में ऐसी चीजें ला रहे हैं जो उन्हें नहीं लानी चाहिए। आज के बाद जो भी बच्चा स्कूल के रूल तोड़ेगा उसे सजा मिलेगी। ये हमें रोज रोज बाहर खड़ा करके बोर क्यों करते हैं? अरे ठीक से खड़े रहो, उन बेचारे कछुओं पर इतना वजन क्यों डाला है? ऐसी कहीं के मुझे समझ में नहीं आता, इंसानों को खड़े रहने के लिए दो पैर ही क्यों दिए? काश मेरे पास चार पैर होते। मैं ठीक भी हूँ और मुझे बुखार भी है। बुक निकाल लो, मैथ के सर आते होंगे। इस मैथ ने तो नाक में दम कर रखा है। चिल्ला क्यों रहे हो काकिनो? क्योंकि मैं मैथ का होमवर्क करना भूल गया। क्या काकिनो, तुम तो इतने होशियार हो, तुम कैसे भूल गए? आज सर मुझे बहुत डांटेंगे, क्या करूं? काकिनो होमवर्क करना भूल गया। काकिनो होमवर्क करना, तुम तो अपना होमवर्क करके आए हो ना चाचा। होमवर्क तो मैंने भी नहीं किया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बॉडी पेन हो रही है। सोच रहा हूँ मैथ पीरियड स्किप करके क्लिनिक चला जाऊँ। मस्त आइडिया दिया है काकिनो। चलो क्लास मिस करके स्कूल क्लिनिक में टाइम पास करते हैं। क्या बोल रहे हो? तुम क्या करने का सोच रहे हो चामा? तुम बस देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। बच्चों, मैथ क्लास के लिए तैयार हो जाओ। सब होमवर्क करके आए हो ना? जिसने भी होमवर्क नहीं किया उसकी खैर नहीं। तो कोई है ऐसा क्लास में? चामा। टीचर। ये क्या करने जा रहा है, पागल तो नहीं हो गया ना? बहुत दुख रहा है। इसका वही पेट दर्द का नाटक शुरू हो गया। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन आज मेरा सर बहुत दुख रहा है टीचर। चामा, अगर तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है तो पेट क्यों पकड़ा है? मैं भूल गया था, वो मेरी पीठ बहुत दुख रही है। ये क्या करते रहते हैं? पागल हो गया है। मेरा सर बहुत दुख रहा है, मेरा पेट बहुत दुख रहा है, मेरी बॉडी का हर पार्ट दुख रहा है। लड़के की प्रॉब्लम क्या है? काकिनो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मेरे साथ स्कूल क्लिनिक चलो। चलो काकिनो, तुम मेरे दोस्त हो। चलो काकिनो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। काकिनो चलो ना, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। सर, क्या चलो, मैं इसे क्लिनिक ले जाऊं? हाँ ले जाओ, वरना ये किसी को पढ़ने नहीं देगा। चलो अच्छा है, इसे बुखार नहीं है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। कुछ देर अगर ये आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तू रेस्ट करता हूँ। काकिनो सुनो, मुझे कुछ जरूरी काम है, क्या तुम कुछ देर के लिए चामा का ध्यान रख पाओगे? क्या मैं अकेला? जी डॉक्टर, आप फिक्र मत कीजिए, काकिनो मेरा अच्छे से ध्यान रखेगा। ठीक है चलो, मैं चलती हूँ। रुकिए डॉक्टर। देखो मैंने कितना अच्छा नाटक किया। मैं कुछ समझा नहीं चामा। काकिनो तुम्हें कहा था ना क्लास स्किप करनी है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। चलो थैंक यू कहो। तुम नाटक कर रहे थे? देखो ना यहाँ लेटे लेटे कितना आराम है। मैं कर रहा हूँ आराम। आई आई आई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चुप हो जाओ। हिम्मी, मैं क्लास स्किप करने के लिए इतना बड़ा नाटक? ये नाटक है, नाटक है, नाटक है। मैं यहाँ एक मिनट नहीं रुकूंगा। तुम इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। मुझे प्लीज, मुझे क्लास में जाने दो चामा। बिल्कुल नहीं, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम यही रहोगे। चामा कैसे हो तुम? ये तो समायो की आवाज है। वो तुम्हें ऐसे देखेगी तो समझ जाएगी कि सब नाटक है। अरे समायो, तुम्हें पता लगा मेरी तबीयत खराब है तो तुम मिलने चली आई? हाँ, पर तुम दोनों बेड पर क्यों लेटे हो? तबीयत तो सिर्फ चामा की खराब है ना? वही तो, इसकी तबीयत बहुत खराब है। चामा उठो मत, तुम्हें आराम करना चाहिए। काकिनो मेरे सच्चे दोस्त। अजीब बात है। तुम ठीक तो हो ना हियो भाई? आओ यहाँ पर लेट जाओ। मुझे लग रहा है हियो भाई सच में बीमार है। इसे क्या हुआ है समायो?
पता नहीं क्लास में अचानक इसकी तबीयत खराब हो गई। ओ अच्छा। समायो मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा ना? वो मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम आराम करो। तुमने देखा काकिनो, मैं भी बीमार हूँ लेकिन वो सिर्फ उसका ध्यान रख रही है। काकिनो को तंग मत करो, वो तुम्हारा ख्याल रखने आया है, तुमसे मार खाने नहीं। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहता हूँ तुम मेरा ख्याल रखो समायो। अरे सब ठीक है, मेरे गाल क्यों खींच रहे हो? ओ भाई, इसका बुखार तो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखा तुमने, समायो को सिर्फ उसकी फिक्र है, मेरी फिक्र नहीं है। बुखार जल्दी आ जाओ। मुझे भी उसकी तरह बीमार होना है काकिनो। सिर मत रगड़ो वरना गिर जाएगा। तो बहुत पसीना आ रहा है, सर्दी भी हो गई है। देखो ना, पसीने से पूरा बेड गीला हो गया है। अरे सुसु करके पसीना बोल रहे हो? समायो तुम मेरा कितना ख्याल रख रही हो। क्लासमेट्स ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है? समायो, मेरे पैर दुख रहे, मेरी कमर दुख रही है, सब कुछ दुख रहा है, मेरा ख्याल रखो। चुप हो जाओ और नाटक करना बंद करो। तुम मुझ पर चिल्ला रही हो, मैं बीमार हूँ और तुम मुझ पर चिल्ला रही हो। समायो तुम ऐसा मत करो। मुझे पता है तुम बिल्कुल बीमार नहीं हो, मेरे सामने नाटक करना बंद करो। लगता है पकड़ा गया। मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। आज मेरे फेवरेट शेफ मिशेल मेरे लिए स्पेशल खाना बना कर लाए हैं। तुम तो बीमार हो ना, इतना खाना कैसे खा रहे हो? चलो चलते हैं समायो। तुम क्यों नहीं खा रहे है? इतनी सी बात पर नाराज होके जा रहे हो? मैं बीमार हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। कितना नाटक करता है, कहता है बीमार हूँ और कितना खा रहा है। तुम लोग यहाँ? अगर तुम यहाँ हो तो चामा का ख्याल कौन रख रहा है? वो सर, दरअसल अंकल खाना इतना अच्छा था कि मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया, अब पेट दुख रहा है। चामा बाबा थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए, आप अच्छा महसूस करेंगे। बहुत अच्छा आइडिया है, चलो एक्सरसाइज करें। खाले मच्छी, तीन तरह की मच्छी, अच्छी मच्छी। चामा कैसा लग रहा है? हिक्की। कितना दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, सब कुछ दर्द कर रहा है। जामा तुम्हारी तबीयत तो सच में खराब लग रही है। हाँ टीचर, मुझे बुखार है इसीलिए डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। ओ, अच्छा तो तुम्हें बुखार भी है, पर तुम्हारा चेहरा और तुम्हारे गाल तो बहुत लाल लग रहे हैं। हाँ वो बुखार की वजह से ही है। बुखार में भी चेहरे पर हंसी दिख रही है। मुझे जब बुखार होता है तो मुझे हंसी भी आ जाती है। हंसने की आदत है और बुखार में बॉडी बनाने की भी आदत होगी ना। वो आदत तो नहीं है, पर मैंने सुना है बुखार में एक्सरसाइज करने से लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। ऐसी बात है, फिर तो तुम्हें सच में बुखार होगा। हाँ मैं भी तो आपको वही समझा रहा हूँ। कोई बात नहीं चामा, इनसे तुम्हारा बुखार भाग जाएगा। इंजेक्शन। बताओ इन्हें कंधे पर लगाऊं या फिर? मैं ठीक हो गया टीचर, मैं मुझे पहले से अच्छा लग रहा है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। देखिए मेरा बुखार भी उतर गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो क्यों ना हम थोड़ी देर क्लास में मैथ्स पढ़ लें? तुम्हें इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। मेरा सर दर्द ठीक हो गया। चलो फिर मैच पढ़ लेते हैं। देखा, मैंने कहा था ना ये नाटक कर रहा है। पता था। सर दर्द वापस आ गया। ओ इंजेक्शन। ठीक हो गया। या फिर मैच। पेट दर्द शुरू। या दोनों। कोई मुझे बताओ। मैच इंजेक्शन। टीचर मुझे जाने दीजिए प्लीज। चामा हम तुमसे मिलने आए हैं। कहाँ जा रहे हो? तुम बीमार हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। टीचर मुझे इंजेक्शन लगा रहे हैं। इंजेक्शन, इंजेक्शन, इंजेक्शन। भागो यहाँ से। मैं खिड़की से चला जाता हूँ। हम तुमसे मिलने आए हैं। मैच, मैच, मैच पढ़ेंगे मैच।
बीमार।